हेलो गाइस, दिस इज़ हिरेन फ्रॉम डीके वेबटेक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर रीसेलर हैं होस्टिंग के, अगर आप होस्टिंग जो है वो रीसेल करते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि यार उसका जो सी पैनल है, कोई बंदा आपने पहले इशू कर दिया और उसको कैसे क्या डिलीट करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने एक कम्प्लीटली इस पर एक वीडियो बनाया था कि कैसे क्या आप कोई पैकेज बना सकते हैं या फिर किसी को होस्टिंग आप इशू कर सकते हैं, सी पैनल किसी को कैसे क्या आप इशू कर सकते हैं, इस पर मैंने एक कम्प्लीटली एक वीडियो बनाया था। तो आप उसको वॉच कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर लास्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो के ऊपर ही। तो देखिए, आज के इस एपिसोड में आपको फिर से बता रहा हूँ यार, कई लोगों ने मुझे बोला कि सर मैं होस्टिंग जो है वो रीसेल कर रहा हूँ और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। तो देखिए, काफ़ी ईजी है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ और ये काफ़ी ईजी है गाइज। आपको करना क्या है, देखिए आपको अपने सी पैनल पे आना है, ठीक है, जो जहाँ से आपने होस्टिंग बाय की वो लॉगिन करना है और आप नीचे आओगे एडवांस में तो आपको वेब होस्ट मैनेजर मिल जाता है, यानी कि WHM, और इस पे आपको क्लिक करना है, ओपन करना है गाइज। और मैं करता हूँ इसको ओपन। तो अभी यस, तो देखिए यहाँ पे लिस्ट अकाउंट, यहाँ पे सारे आपको देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, लिस्ट अकाउंट में जितने भी आपने सी पैनल इशू किए हैं वो सारे शो कर जाते हैं गाइज। और ऐड पैकेज से आप पैकेज बना सकते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट, आप किसी को सी पैनल इशू करना चाहते हैं नए डोमेन पे तो आप इस यहाँ से कर सकते हैं। बट बात करते हैं हम आज कि सी पैनल को परमानेंटली कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, फोर्स पासवर्ड चेंज कर सकते हो, लिमिट बैंडविड्थ की सेट कर सकते हो, मैनेज अकाउंट सस्पेंशन कर सकते हो कि किसी का अकाउंट सस्पेंड करना है। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट के एपिसोड में काफ़ी अच्छे से बता दी थी। और अभी हम आते हैं टर्मिनेट अकाउंट्स पे। ओके, टर्मिनेट अकाउंट पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे डोमेन शो हो जाते हैं फिलहाल। और अभी आता हूँ मैं नीचे, यहाँ पे जो भी हमें टर्मिनेट करना है पहली बात तो वो सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़, मेरे डोमेन तो शो हो रहे थे लेकिन मैंने कुछ जो डोमेन है यानी कि जो कुछ सी पैनल से उनको सस्पेंड कर रखा है, बट यहाँ पे सी पैनल वो शो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है शो ओनली सस्पेंडेड अकाउंट्स, ठीक है। तो अभी मेरे को सस्पेंडेड अकाउंट्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मेरे को ये रिमूव करना है गाइस। तो अब रिमूव करने के लिए यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा और इसकी जो फाइल्स होंगी, सी पैनल होगा गाइस, परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। तो यस, रिमूव करता हूँ और ये रिमूव होना स्टार्ट हो गया है। जितनी भी फाइल्स होंगी, जो भी इसका सी पैनल होगा, वो परमानेंटली गाइस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अभी आप देखते हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है, चूँकि काफ़ी बड़ी फाइल है इसकी, 144 MB के आसपास है राउंड अबाउट। सो गाइज, सक्सेसफुली रिमूव्ड हो चुकी है। तो ये छोटा सा काम करना था आपको कि आप कैसे क्या रिमूव कर सकते हो गाइज कोई भी अपसी पैनल जो आपने बनाया हुआ है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। ये छोटा सा था, इसमें कुछ वैसे खास था नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना हमारा एक फ़र्ज़ है कि उनको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो हम उन पर ही काम कर रहे हैं अभी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइज, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो निसंकोच आप हमें कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।